एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। सागर में बढ़ा बीजेपी कांग्रेस का ध्यान। एससी वोटरों को साधने का बड़ा प्लान। जबलपुर और ग्वालियर के बाद अब सागर जिले में बीजेपी और कांग्रेस का फोकस है। आने वाले दिनों में कद्दावर नेताओं का दौरा यहां होगा। 13 अगस्त को आएंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। यहां जनसभा को संबोधित करेंगे खड़गे। दलितों को साधने के लिए दलित चेहरे खड़गे की होगी एंट्री। 12 अगस्त को होगा पीएम मोदी का दौरा। संत रविदास मंदिर के लिए यात्रा निकाल रही है बीजेपी। एससी वोट बैंक को साधने की कोशिश है। पीएम मोदी और खड़गे के दौरे में मात्र एक दिन का अंतर है। हिमाचल और कर्नाटक में जीत से उत्साहित कांग्रेस खड़गे के सहारे दलित वोटरों पर फोकस कर रही है। इसकी वजह है सागर जिले की सीमा 7 जिलों से लगती है। यहां एससी वर्ग के लिए 10 सीटें आरक्षित हैं। इनमें से 9 सीटें बीजेपी के पास, 1 सीट कांग्रेस के पास है। पिछले 4 चुनावों में जीत दर्ज करती रही है बीजेपी। सागर की सबसे मजबूत सीट रहली भी बीजेपी के पास है। यहां से मंत्री गोपाल भार्गव लगातार 8 बार से ज्यादा विधायक है। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी की है। हालांकि यहां चुनौतियां बहुत हैं, इसीलिए खड़गे के जरिए कांग्रेस दलित कार्ड खेलने जा रही है। सागर से 7 जिले अशोकनगर, नरसिंहपुर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, विदिशा और रायसेन की सीमाएं लगती हैं। इन 7 जिलों की करीब 36 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का फोकस है। सागर, दमोह, छतरपुर और टीकमगढ़ की 17 सीटों में से 10 पर कांग्रेस और 7 पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन एससी वर्ग के लिए आरक्षित सीटें बीजेपी के कब्जे में है। एमपी की 35 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। प्रदेश में 17% दलित वोटर है, जिनका भरोसा जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दलितों का साथ दिया है और दलितों का आशीर्वाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। कांग्रेस तो सिर्फ कहने को करती है कि हम आदिवासियों के साथ हैं, हम दलितों के साथ हैं, मगर कहीं भी उनका ये समझ में नहीं आता वो किसके साथ है। आज तक उन्होंने ना दलितों के बारे में सोचा, ना अल्पसंख्यक के बारे में सोचा, ना उन्होंने आदिवासियों के बारे में सोचा। यदि उनने सोचा है तो सिर्फ उनको एक वोटर के रूप में सोचा है, और जहां तक वोट का सवाल है तो वो सिर्फ वोट के समय सबकी चिंता करते हैं, बाकी समय उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी को जब मध्य प्रदेश आते हैं तो उनको तो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना है कि आपने किया क्या। अब आप घोषणाएं करें, आप चुनावी दौरे करके लोगों को बताएं कि हम ये करेंगे और ऐसा करेंगे, तो ये उसका समय नहीं है। 20 साल आपको बहुत दे दिया गया, 10 साल आपको केंद्र में बहुत दिया गया। अब तो आप ये बताइए कि राज्य सरकार में 20 वर्ष आप थे तो आपने क्या दिया इस प्रदेश को, उसका रिपोर्ट कार्ड पेश करिए। एससी सीटों पर बीजेपी का रिकॉर्ड अच्छा रहा है तो मायावती की पार्टी बीएसपी का भी कई सीटों पर प्रभाव है। ऐसे में कांग्रेस की चुनौती कम नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज से आते हैं और उनका एक बड़ा आयोजन सागर में होने वाला है और ये पूरे बुंदेलखंड को प्रभावित करेगा। ये हम जानते हैं कि बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा वोटों की बहुतायत है तो दलित समाज के लोगों की है, तो इसलिए वहां पर संत रविदास के कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और इसके ठीक बाद यानी जैसे खड़गे जी का कार्यक्रम होगा उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां एक बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं और वहां संत रविदास के मंदिर में भी जाएंगे। हम देख रहे हैं कि दोनों दलों में लगभग होड़ मची हुई, तो आने वाले समय में देखिए कि दलित समाज का जो वोट है वो किस ओर जाएगा। मध्य प्रदेश में दलित वोटर गेम चेंजर माने जाते हैं। अब ये देखना होगा कि इस साल ये वोटर किस पार्टी पर भरोसा जताएंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी हर वर्ग को साधने में जुटी हुई है। यही वजह है कि कांग्रेस के आला नेता अब मैदान पर उतरकर हर वर्ग के बीच जा रहे हैं और अपनी कामयाबी का मैसेज दे रहे हैं। देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव में ये कामकाज कितना असर डाल पाता है। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज़ स्टेट।
अब खबर तो ये है कि देश और प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों के मुद्दे पर सियासत होती है। एमपी में 17% दलित वोटर हैं, जिन्हें साधने की कोशिश हो रही है। सागर संभाग इसलिए अहम है क्योंकि यहां 10 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। मौजूदा समय में बीजेपी के पास 9 सीटें हैं, एक कांग्रेस के पास है। बीजेपी की कोशिश अपने गढ़ को सुरक्षित रखना, तो कांग्रेस सेंधमारी में लगी है। तो वही छत्तीसगढ़ में बारिश के दौरान